भाई साहब इंडिया ने सेट किए 357। ट्रिपल डिलाइट देखने को मिली इंडियन क्रिकेट फैंस को। वो तो लाशें बिछा देगा इंडिया सर जी, कल देखना श्रीलंका के साथ होता क्या है। 92 पे शुभमन गिल, 88 पे विराट कोहली, 82 पे श्रेयस अय्यर, एंड इट्स इन ऑल रिस्पेक्ट तीनों बैटर्स एक पोजीशन पे ऐसे लग रहे थे। शुभमन ने तो 92 की इनिंग खेल दिया, वो तो भाई चले गए पहले पे, अब वो पहले पे समझ ले किस्म का चला गया। अच्छा उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि यार हम पाकिस्तानी की भी क्या जिंदगी है। 6 नवंबर 2022 को हम दुआ कर रहे थे साउथ अफ्रीका हार जाए, 1 नवंबर 2023 को हम दुआ कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। श्रीलंका का वही हाल करेंगे जो एशिया कप में किया था, 50 से ऊपर टीम गई नहीं है तो आंखें बंद करके छक्के मारने हैं, इनका पता नहीं क्या बनेगा। मुझे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है विराट का, फाइट वाला, कुछ भी हो गया आज या हो जाओ मैं इधर ही। तो जो उसका वो एटीट्यूड है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जाके स्लेजिंग करता है। कौन सी टीम्स आपको पसंद है? इंडिया, पाकिस्तान। आपको इंडिया क्यों पसंद है? पाकिस्तान ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको पसंद किया जाए? अय्यर ने सुकून से श्रीलंका को पेला ढेला उड़ाया। इंडिया के प्लेयर्स बाबर आजम जैसे थोड़ी हैं सर जी। और आज तो शुभमन गिल क्या बल्लेबाजी कर। श्रीलंका को दुआ करनी चाहिए कि इंडिया की पहले बैटिंग ना आए, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई तो। What about Virat Kohli? He consistently keeps on taking the pressure. अभी जो 3-4% था पाकिस्तान का चांस सेमीफाइनल में पहुंचने का, कुछ बढ़ा है, कितना फीसद बढ़ गया है ताकि हमें पता लगे हम सही खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बताएं। 1% कम हो गया है? इंडिया का प्रेशर किस पे नहीं है मुझे ये बताओ, हर टीम पे तो इंडिया का। जी दोस्तों, बकिया वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं मारना कम और घसीटना ज्यादा। जिस तरह इंडिया ने लिटरेशन कर दी है श्रीलंका की, तो जिस तरह इंडिया के जो बॉलर हैं वो जिस फॉर्म में है और जिस पाए की बॉलिंग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ दूसरी टीम में ना अब कांप रही होंगी भाई, ये हो क्या रहा है, ये इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया अपने घर में इतनी ख़तरनाक टीम है, ये सब टीमें अब सोचने में मजबूर है, और अनबीटेबल टीम है इंडिया अभी तक। तो बाकी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। अब बात आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, रोहित शर्मा ठीक है आउट हो गया, कोई मसला नहीं, विकेट गिर जाती है, वो बॉल ही बड़ी जबरदस्ती रोहित शर्मा की, वो उसने मधु शंकर ने बड़ी जबरदस्त बॉल किया। लेकिन फिर आते हैं विराट कोहली पे। आपका भाई रात को बता के गया कि विराट कोहली 100 करेगा, मैं बता के गया हूँ रात को कि विराट कोहली करेगा 100। अब 100 तो नहीं कर पाया लेकिन 88 करके गया है। 88 भी तकरीबन 100 ही होते हैं भाई, 88 भी इतने ही रन होते हैं। अब अपने लिए खेलता तो शायद 150 कर देता, टीम के लिए खेल रहा था और वो बॉल भी एकदम उसने स्लो फेंक दी और वो बस हो गया काम। और 88 में विराट कोहली की बारी भी जाओ सीमित की। उसके बाद शुभमन गिल ने 92 किए। देखो मैं रात को एक चीज बोल रहा था इस मेरी वीडियो रात वाली, अच्छा मैं जो बोल गया हूँ पता नहीं वो सच हो गया। मैंने रात को बोला था कि शुभमन गिल इस वर्ल्ड कप में चल नहीं रहा, शुभमन गिल की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और शुभमन की मैं ये भी चाहता हूँ कि शुभमन गिल इस वर्ल्ड कप में रन करे ताकि मेरे घंटे के किंग की जो नंबर वन रैंकिंग है ना वो दुखे आगे पीछे हो। क्योंकि घंटे का किंग 818 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है, शुभमन गिल 816 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है। अब शुभमन ने तो 92 की इनिंग खेल दी है, वो तो भाई चले गए पहले पे, अब वो पहले पे समझ ले किस्म का चला गया। रैंकिंग में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल जो रैंकिंग में भी चले गया पहले पे क्योंकि घंटे किंग को उसने साइड पे कर दिया। फिर नीचे से श्रेयस अय्यर, देखो रात को ये बात हो रही थी कि अय्यर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अय्यर को ड्रॉप किया जाए। मेरी वीडियो निकाल के देखो, मैंने एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि ऐसे नहीं ड्रॉप करते आप, ऐसे अय्यर को ड्रॉप कर दो प्लेयर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं कह रहा था कि मैं कल अय्यर के साथ जाऊंगा, और देखो अय्यर ने भी आज 82 की इनिंग खेली है, सेंचुरी कोई नहीं कर पाया। सब ने टीम वाइज देखो, सेंचुरी तब होती है जब आप थोड़ा सा अपने लिए भी खेलना शुरू कर दो ना, बाप आपने 90s के बाद सिंगल लेने शुरू कर दिए हैं, या आपने जो है वो 80s के बाद कुछ वो जो डाटे डूटे मेरे घंटे के किंग की तरह काम करने शुरू कर देना, तो फिर सिंगलों में काम चला जाता है, फिर आप 100 कर लेते हो। लेकिन जिस वे में आज इंडियन टीम खेली है, जिस अभी भी मैं ये बोलूंगा कि शायद कुछ रन कम हैं, लेकिन इतने रन श्रीलंका किधर बना पाएगा। इंग्लैंड को 230 पे चलता कर दिया था, 130 पे, और ये घंटे श्रीलंका वाले इतने रन मेरे एल कर रहे, मेरे एल रन करेंगे ये इतने, बेटा ये इतने रन दो बार भी पारी ले लेंगे ना इतने रन नहीं कर पाएंगे, इनको दो बार भी पारी मिलेगी तो ये इतने रन बेटा नहीं कर पाएंगे, इनको साइड पे कर दो। देखो इंडिया ये मैच तो जीत गया, सबको पता है, मुझे भी पता है, इंडिया सेमीफाइनल में भी चला गया हुआ है, आज जीत गया तो बिल्कुल डन हो जाएगा ना, चला गया तो हुआ है। मतलब इंडिया इस वर्ल्ड कप में अलग इंडिया बन के आया हुआ है,
भाई आपको, आप उनको किसी भी पॉइंट से पकड़ नहीं सकते। अगर एक पॉइंट से पकड़ लोगे ना तो वो दूसरे पॉइंट से आपको मजीद खतरनाक आपको पकड़ेंगे। अब पिछले मैच में इंग्लैंड ने बैटिंग में पकड़ा, फिर इंग्लैंड को जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग से पकड़ा ना, इंग्लैंड का तो पकड़ के घंटा बजा दिया उन्होंने। और आप आओ मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे, आप आओ मेरे घंटे के फैंस, आप आओ ना बेटा। ये होती है टीम वाइज परफॉर्मेंसेस जो आज टीम इंडिया के तीन बल्लेबाजों ने दी है, जिसमें श्रेयस अय्यर, जिसमें के एल राहुल नहीं, जिसमें जो है वो शुभमन गिल। वो तो लाशें उछा देगा इंडिया सर जी, कल देखना श्रीलंका के साथ होता क्या है। मुझे तो बड़ा दुख लगा हुआ है एशिया कप में, जो इन्होंने एशिया कप पाकिस्तान किस वजह से हारा था, श्रीलंका की वजह से हारा था। अब देखना सर जी इनके साथ जो होना है कल, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाना, चस आ जाना, मज़ा आ जाए, चस आ जाए। 60 स्कोर पे ये पूरी टीम बुक हो गई थी एशिया कप में, तो इंशाल्लाह कल भी यही होगा, 100 से ऊपर नहीं जा सकते ये। आपको लगता है कि जो यानी कि इंडिया जो है कल के मैच में इनको स्कोर करने ही नहीं देगा, कुछ भी नहीं करने देगा, और इंडिया का प्रेशर भी इनके ऊपर होगा? वो इंडिया का प्रेशर किस पे नहीं है मुझे ये बताओ, हर टीम पे तो इंडिया का प्रेशर है। इंडिया इस टाइम हर टीम की तो ले रहा है सर जी, अब कोई टीम पीछे बची है जिसका प्रेशर नहीं है? ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान हो गया सर जी, पाकिस्तान की ले लिया इंडिया ने, और किसकी ले सर जी? पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान टीम की बात की, पाकिस्तान का भी एक चांस बन रहा है वर्ल्ड कप के अंदर आने का, एक होप पैदा हुई है, तो क्या लगता है पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ दोबारा टकरा तो क्या पाकिस्तान इंडिया को दोबारा टैकल कर पाएगा, फेस कर पाएगा? देखिए पाकिस्तान का अगर दोबारा से इंडिया के साथ मैच होता है ना तो पाकिस्तान पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो जानबूझ के मैच हार जाती है। ठीक है, आपको इस चीज़ का पता है दादा कि इस तरह से होता रहा है। और सेकेंडली मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए एज अ पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि सेमीफाइनल में जाकर और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए और फिर आ रहे ना, वो ज़्यादा दुख की बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान को जाना ही नहीं था चाहिए इंडिया, कि इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल रहा है और क्या नाम है सारा। खैर बहरहाल देखें क्या बनता है, लेकिन अगर तो क्या लग रहा है कि कल के मैच में श्रीलंका के साथ इंडिया हाल क्या करेगी? लास्ट टाइम तो आपको याद है इन्होंने 50 करोड़ पूरी श्रीलंका की टीम आउट कर देते, कल के मैच में क्या करेगा फिर? यार बिल्कुल ऐसे ही है, अब कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले मैच में सिर्फ मोहम्मद सिराज था, इधर मोहम्मद शमी भी है उनके पास, कुलदीप यादव भी है, अश्विन भी है, जडेजा भी है, अश्विन को चलो रेस्ट दी हुई है, जडेजा है उनके लिए एक नया आउट ऑफ सिलेबस बॉलर है उनके लिए, तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन श्रीलंका के बैट्समैन कोई प्रिपेयर कर पाएंगे उनके लिए, कोई तैयारी कर पाएंगे या उनको खेलने की थोड़ी प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो कल भी श्रीलंका का वही बुरा हाल होने वाला है जो एशिया कप के फाइनल में हुआ था। मेन चीज़ तो पाकिस्तान है, तो नहीं जीत सकता कल श्रीलंका, बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है सर जी। इंडिया की पिछला रिकॉर्ड देखा जाए पिछले मैचेस यानी कि लगातार जीतते ही आ रहा है, तो क्या लगता है कल के मैच में भी इंडिया जीत के एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगा? तो देखा आपने वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की ओपिनियन आपने सुने, पाकिस्तानी अवाम पहले ही कह रही थी भाई इंडिया ने कल ना मंजी ठोक देनी श्रीलंका, मंजी ठोक दी, ऐसी मंजी ठोकी। मैं कहता हूँ श्रीलंका वाले ना अब कांपते होंगे, जब भी इंडिया से उनका मैच होगा ना उनके लिए अब कांपना बनता है, क्योंकि उनकी कांपें टांग जाती हैं, तो इस वजह से अब उनका ना बचना मुश्किल नहीं ना मुमकिन है, क्योंकि एशिया कप के फाइनल में तो वो पहुंच गए थे, वहाँ पे दलील हुआ इंडिया से, आज मैं आया था आज दलील हो गए। ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी टीम 50 स्कोर भी नहीं कर सकती यार इंडिया के खिलाफ, समझ नहीं आती। वो टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ 350 कर गई, 350 कर गई, लेकिन इंडिया के खिलाफ 50 पे आउट। ओ यार ये कर क्या रहे हो, यकीन मानो मज़ा आ गया मैच देख के, जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह की खासकर बॉलिंग इंडिया करता है ना, मैं कहता हूँ फंसा लेता अगली टीम को। तो आपकी इस बारे में क्या ख्याल है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।